मेरे ऊपर कृपा बरसाने की। फिर विधि पूर्वक भोजन आदि करवाया, गदगद हो रहे राजा, और गदगद होकर के राजा को बैठाकर जाकर के महलों से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, क्या चलो प्रणाम करो, देखिए मेरे राम क्या पद्धति को निभा रहे। राजा अपने बेटे को लेकर पुनि चरणन मेले सुध जारी, राम देख मुनि देह निसारी। जो ही चारों बच्चों ने प्रणाम किया और प्रणाम करते ही राम के ऊपर नजर पड़ी, बस मुनि देखते ही रहे, आंखों से अश्रु धार बह चले। हे नाथ, निर्गुण समाधि में जिसको बैठ करके जिसका ध्यान करते थे, आज वही सगुण बनके कितना सुंदर बन के आया। और जो ही ऋषि को रोता हुआ देखा, राजा पैरों से लिपट गए, हे ऋषि श्रेष्ठ क्या बात है, कहीं मेरे बेटे में कोई खोट है, भाग्य ठीक नहीं। ऋषि ने कहा, अरे राजन, इसके मुख देखते ही सबका भाग्य बन जाता है, इसके भाग्य में खराबी क्या हो सकती है। जैसे चंदा को देख करके चकोर इकटक हो जाती है, ऋषि देख राजा भी रो पड़े, क्या मेरा बेटा इतना सुंदर है, क्या मेरा बेटा इतना सुंदर है कि जिसकी सुंदरता को देख करके ऋषियों की आंखों में भी पानी भर आता है खुशी का, कितना भाग्यवान हूं मैं। लिपट गया अपने राम से राजा, लेकिन फिर हाथ जोड़ करके अपने राम को गोद में लेकर के अपनी गोदी में बैठा करके ऋषि से कहा, कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत लाव नहीं बारा। हे ऋषि श्रेष्ठ, आज किस कारण आपका आगमन हो गया। कैसे दया की हमारे ऊपर, बता तो दीजिए। उन्होंने कहा, कुछ लेने आए हैं राजन, यदि दे दोगे तो। राजा दशरथ ने दिल में बहुत अच्छी ताकत भर करके कहा, सुनो ऋषि श्रेष्ठ, हमारे रघुवंश की तीन विशेषताएं। कौन सी विशेषता? रणभूमि में कभी पीठ नहीं दिखाएंगे, दूसरी खूबी परस्त्री पर नजर नहीं जाएगी, तीसरी यदि दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ गया वो खाली नहीं जाएगा। हमारे रघुवंश की तीन विशेषताएं, रण में पीठ नहीं दिखाएंगे, क्या परस्त्री पर नजर नहीं डालेंगे, और यदि कोई दरबार में मांगने आ गया तो उसको कभी खाली हाथ नहीं बेचेंगे। कहा, राजन आए तो मांगने, दे दो, दे दोगे? तो मांग लिया विश्वामित्र ने, क्या अनुज समेत देहु रघुनाथ निश्चर मद में हो सनातन। का दे दीजिए राजन, क्या राम के साथ इसके छोटे भाई लक्ष्मण को दे दो, ताकि ये दुष्टों को मार दे और मेरा यज्ञ पूर्ति हो जाए। महाराज इतनी बात सुनते ही राजा मत्था पकड़ करके बैठ गए, हृदय कांप गया, मुख सूख गया। ऋषि कह रहा, अभी तो कह रहा था तीन विशेषताएं गिना रहा था ये, कि मांगने वाला खाली, इसकी तो बोलती बंद हो गई और ये तो रो पड़ा। क्या हुआ राजन?
कि आपको पता नहीं ऋषि श्रेष्ठ, ये मेरे चौथी अवस्था में हुआ और ये क्या मांगेगा, ये क्या मारेगा, कोमल सा है, मेरा राज्य मांग लो, मेरी सेना मांग लो, मुझे मांग लो, मेरी गर्दन मांग लो, उतार के मैं दे दूंगा तुझे, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। महाराज देखिए, जो कुल की मर्यादाओं के गीत गा रहे थे, जिसके सामने शेर भी नहीं खड़ा हो सकता था, आज वो राजा राम की बात सुनते ही कांप गया और अपनी मर्यादा तोड़ने के लिए तैयार। महाराज कहां तक बताएं, जब राम के वनवास की बात आई और केकई के पास गया राजा, तो राजा ने केकई के पैर पकड़ लिए। क्या राजा दशरथ ने केकई के पैर पकड़ लिए और ये कह दिया, हे केकई, यदि तू मेरा मत्था मांग लेगी तो एक सेकंड नहीं हुआ काट के तेरे चरणों में चढ़ा दूंगा। लेकिन केकई, मेरे राम को रख लो। राख राम जेहि केहि तेहि भांति, नाहि तज जन्म भरई जरि छाति। केकई, या तो राम को राख लो, किसी भी प्रकार से रख लो, तो मेरी गर्दन मांगेगी ना, मैं तेरे को दे दूंगा, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूं। राजा ने, जिसे सिंह भी डरते हैं, केकई के पैर पकड़ लिए। मैंने कहा ना, प्रीति में रीति भी टूट जाती है, बंधन भी टूट जाते हैं, वहां कोई मर्यादा नहीं रहती। यद्यपि पत्नी के पैर पकड़ना ये कोई भलमानसी थी क्या, लेकिन उसने पकड़ लिए। क्यों? क्योंकि राम से इतनी प्रीति थी उसकी। वो कह रहा है कि या तो राम को किसी भी तरह से रख लो, नहीं तो तेरे को वैधव्य देखना पड़ेगा, मैं मर जाऊंगा, सारी जिंदगी तेरी छाती जलेगी फिर। क्या? लेकिन जिस व्यक्ति की आंखों के सामने स्वार्थ खड़ा हो गया हो, तो फिर किसी को नहीं देखता। क्या? इसलिए सज्जनों, आज मत्था पकड़ करके राजा बैठ गए। अरे राजन, कुछ तो बोलो। राजा ने कह दिया, अभी तुम मांगो मैं सारी भूमि दान कर दूं, सारा राज्य दान कर दूं, सारा कोष दान कर दूं, सब कुछ दे दूंगा, और तो क्या, मैं अपने प्राण भी दे दूंगा, मेरे और बेटे हैं उनको ले जाओ, लेकिन राम दे तो नहीं बनत गोसाई। देखिए वो पलट गए। अभी तो कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, पर प्राण जाए पर वचन न जाए, और देखिए वो बदल गए। राजा रो रहे हैं, विश्वामित्र ने बुरा नहीं माना। क्यों? क्योंकि जब मेरी नजरों के सामने खड़े होने पर राम के प्रति इतना लगाव मेरे को हो गया है, तो ये तो इसका बेटा बन गया है, इसको कितना लगाव होगा जब मैं सामने इसके खड़ा हूं, और मेरे सामने खड़ा होने से इतना बड़ा लगाव। महाराज ऋषि देखता ही रह गया उसकी तरफ। इधर राजा बैठा है, उधर ऋषि खड़ा है, और बीच में खड़े हैं मेरे राम। अब क्या विधि होती है, क्या देते हैं या नहीं देते, वो बताएंगे उसकी कहने के बाद। केवल 5 मिनट बैठ जाइए। बड़े चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आज पंचम दिवस के कथा के लिए पधारे समस्त भगवत प्रेमी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। अभी आप पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से बड़ी सुंदर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की पावन लीलाओं का वर्णन श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री राम ने किस प्रकार से लीलाएं करके और इस समाज को, इस देश को, इस विश्व को संदेश दिया है। व्यक्ति के जीवन में हमेशा परोपकार की भावना होती है, संत हमेशा परोपकार की भावना को लेकर के चलते हैं। कहते भी हैं कि संतों का हित और संतों का सुख सिर्फ परोपकार में ही होता है,
संत हमेशा ही परोपकारी होते हैं, वह अपने लिए और अपने आगे पीछे के लिए कभी जीवन में कुछ नहीं करते हैं। वह हमेशा संसार की और अपने भक्तों की भलाई के लिए ही कोई कदम उठाते हैं। अभी पूज्य महाराज श्री बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहे थे, उसे अभी आगे भी ले जाएंगे कि भगवान को अगर मांगने के लिए आए तो क्या देते हैं भगवान को राजा दशरथ। व्यक्ति को भगवान कुछ भी प्रदान करता है, लेकिन जब ला का नाम आता है तो वह बड़े प्रेम से उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब दा का नाम आता है तो वह पीछे हटने लगता है। यहीं पे व्यक्ति के जीवन, व्यक्ति की जो भी मर्यादाएं हैं वह घटने लगती हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को ले सकते हैं तो उसे देने का अधिकार भी हमें होना चाहिए, देने के लिए भी हमारे अंदर वह क्षमता होनी चाहिए। अगर हम जो लेना चाहते हैं, पूज्य महाराज श्री प्रायः अपने प्रवचनों के माध्यम से बताते हैं कि जो हम देंगे वही चीज़ें हमें 10 गुना प्राप्त होंगी। चाहे हम किसी को प्रेम दें, चाहे किसी को घृणा दें, चाहे किसी को परोपकार दें, या किसी को बुरा कहें तो बुरा मिलेगा और भला कहें तो भला मिलेगा। इसी में एक शायर ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि चांद के बिना अंधेरी रात रह जाती है, चांद के बिना अंधेरी रात रह जाती है, साथ कुछ अच्छी मुलाकात रह जाती है। चांद के बिना अंधेरी रात रह जाती है, साथ कुछ अच्छी मुलाकात रह जाती है। सच है जिंदगी कभी रुकती नहीं, सच है जिंदगी कभी रुकती नहीं, बस वक्त निकल जाता है और याद रह जाती है। किसी भी व्यक्ति की जो महानता का हमें तब पता चलता है जब वह इस संसार से चला जाता है, तब हम कहते हैं वह अच्छा था वह बुरा था। कल शर्मा जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बस कुछ ही सेकंड लेंगे आपके। शर्मा जी कह रहे थे सुनील जी के पिताजी कि अच्छे और बुरे दोनों व्यक्तियों में खुशी होती है हमें। कोई अच्छा व्यक्ति आता है, जैसे कि आज हमारे बीच महाराज श्री, अगर आज महाराज श्री का पदार्पण श्री राम कथा के माध्यम से हुआ है तो पूरे विजवासन की जनता को और विशेषकर राणा परिवार, जगत जी के परिवार को बहुत ही प्रसन्नता है। सारे दिन रात यहाँ से भी जाके घर में भी वो मैया गाड़ी में बैठे बैठे कथा सुन रही है, उसको बुखार आ गया लेकिन फिर भी वह घर में जाके खूब नाचती है कि पता नहीं हमें इस टाइम क्या मिल रहा है। तो अच्छे व्यक्ति जब आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन जब वह जाते हैं तो बड़ा दुख होता है कि आज हमारे बीच से एक अच्छा व्यक्ति जा रहा है। बुरे व्यक्ति आते हैं तो उस समय तो हमें थोड़ा दुख होता है, लेकिन जब वह जाता है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि ये बलाय चली गई, बहुत अच्छा हुआ। तो इसलिए आप लोगों से मेरा यह निवेदन कि विजवासन की जनता ने जितना सुंदर कार्य गौ हॉस्पिटल के लिए कर रही है, गौ माता के लिए कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छाई और बुराई का नमूना आपके सामने पेश है, सबने सुना होगा कसाब का नाम कौन नहीं जानता इस विश्व में आज की डेट में, जिसने महज 25 साल की उम्र में 26/11 का जब नाम लेते हैं तो लोगों के दिलों में दहशत बैठ जाती है। मुंबई आज भी उस दिन को याद करके थर्रा जाती है कि उन 10 बंदों की टीम ने मुंबई में घुस के वो कहर बरपाया था कि कसाब के हाथों 165 निर्दोषों की जान गई थी, उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी थी। उसमें हमारे कुछ ऐसे जवान जो देश के लिए दिन रात तत्पर रहते थे वे भी शहीद हुए। जब कल सुबह ठीक 7:30 बजे उसे फांसी हुई तो पूरा देश दीपावली की तरह खुशियां मना रहा था। तो यह है बुराई और अच्छाई का कर्म। अब सोचना आपको है कि हमें इस संसार में क्या करके जाना है, कि हम मरे तब लोग पटाखे जलाएं या हम मरे तो लोग गमसीन होके भगवान के लिए भगवान से दुआ करें कि इस व्यक्ति को भगवान एक अच्छा जन्म अगले जन्म में अवश्य देना। तो इसलिए एक बार सभी दानदाताओं की जोरदार तालियों से स्वागत। जो दान आया है विजवासन से उन नामों की मैं घोषणा करूंगा। श्री ऋषभ भाई ऋषभ व यश, सनोप श्री उमेद सिंह दहिया धनवापुर से। ये ऋषभ और यश जी, जो यश हमारे कल राम की झांकी आप देख रहे थे, राम जी के स्वरूप में जो थे वो यश जी ही थे। कल भगवान राम ने भी गऊ की अपार सेवा की, और देखो इस
छोटे से बच्चे को राम बनाया, इसे किसी ने कहा नहीं कि तुम दान दो जा करके। उसने अपने पापा से 1100 रुपए लेकर के और पीछे जाके पर्ची कटवाई। एक बार जोरदार तालियां यश के लिए। अगर ऋषभ यश यहाँ हो तो मैं चाहूंगा कि वह स्टेज पे आए और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। उन्होंने अपने पूरे राम की मर्यादा को दर्शाते हुए दिखाया है कि भगवान राम और कृष्ण ने जब आकर के गौ माता की सेवा की थी तो हमारा भी कर्तव्य है कि गौ माता के लिए कुछ ना कुछ करें। तो एक बार पुनः जोरदार तालियां दोनों भाइयों के लिए। बिजवासन से ही प्राप्त हुए 1100 रुपए, गुप्त दान आया है 1100 रुपए। प्रशांत दहिया सनोप जितेंद्र सिंह दहिया धनवापुर से 1100 रुपए, बिजवासन से 1100 रुपए। सुदेश शंकर पोटकोट से 1100 रुपए, बिजवासन से 1100 रुपए की राशि प्राप्त हुई। एक बार जोरदार तालियां। नरेंद्र राणा जी नीर जी 1100 रुपए, सतीश राणा सत्य जी 1100 रुपए, अनुज सनोप ओम प्रकाश नांगल वाले 1100 रुपए, अतर सिंह बिजवासन से, जिनकी राशि गुप्त है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। बिजवासन से ही गुप्त दान प्राप्त हुआ है, गुप्त दान आया है बिजवासन से ही। राहुल सनोप सतीश जी गुप्त दान, सुरेंद्र यादव जी गुप्त दान, किरण वाइफ ऑफ पुरुषोत्तम जी गुप्त दान, अजय राणा की मम्मी शकुंतला देवी बिजवासन से 1100 रुपए, रमेश जी न्यूपालम बिहार 5100 रुपए, सुरेंद्र जी न्यूपालम बिहार 2100 रुपए, संगीता जी न्यूपालम बिहार 5100 रुपए, सुरेश जी बिजवासन से 1100 रुपए। एक बार जोरदार तालियां। सुरेंद्र सनोप चंद्र रूप बिजवासन से 1100 रुपए, सुरेश सनोप करतारे 1100 रुपए, ललित राणा गुप्तदान, प्रताप सिंह राणा गुप्तदान, गुप्तदान आया है बिजवासन से, गुप्तदान आया है बिजवासन से, गुप्तदान आया है बिजवासन से। संतोष रानी न्यू पालम बिहार से 2100 रुपए, सुदेश जी न्यू पालम बिहार से 1100 रुपए, गुप्तदान आया है बिजवासन से। रमेश रोहिल जी गुप्तदान, राजबाला देवी गुप्तदान, कृष्णा देवी जी गुप्तदान, संजय राणा गुप्तदान, राजेश राणा गुप्तदान, विकास शर्मा जी द्वारका से 5100 रुपए, पंकज मिश्रा जी द्वारका से 5100 रुपए। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी। धीरज जी बिजवासन से 1100 रुपए, गुप्त दान आया है बिजवासन से। एक बार जोरदार तालियां सभी दानदाताओं के लिए। और कल आप लोगों से निवेदन कि शायद कल माँ सीता का स्वयंवर भी होगा, तो इसलिए भगवान की शादी में फिर आपसे वही अपील कि आप लोग कोई भी गिफ्ट लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि जिस चीज का यूज ना हो, क्योंकि महाराज श्री गरीब कन्याओं के लिए भी अगर करते हैं तो वह जो वो चाहते हैं वही देते हैं, जिसकी आवश्यकता उन्हें होती है शादियों में। अगर उन्हें बेड चाहिए तो बेड बनवा के देते हैं, अलमारी चाहिए तो अलमारी बन देते हैं, मतलब जिस चीज़ की आवश्यकता उन्हें होती है वह चीज़ वह उन गरीबों में प्रदान करते रहते हैं। तो आप लोगों से निवेदन कि आप लोग व्यर्थ की कोई भी चीज़ ले के ना आए, जो भी करना चाहते हैं तो गौ माता के हॉस्पिटल के लिए बढ़ चढ़ के आप लोग आगे आए। वैसे भी बिजवासन के ग्रामवासियों से, बिजवासन क्षेत्र से काफ़ी सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसलिए सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। और जो कल सीता स्वयंवर में कुछ भी देना चाहता है तो पीछे भाई राजेश शर्मा जी उपस्थित हैं, आप दान दे करके रसीद अवश्य प्राप्त करें। हमारे बीच द्वारका से श्री वीरेंद्र छिकारा जी भी पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। वह यहाँ मौजूद हैं तो स्टेज पे आके महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। तो हम चलेंगे पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में कि राजा दशरथ जी से क्या मांग रहे हैं विश्वामित्र जी और राजा दशरथ जी उन्हें किस प्रकार से प्रदान करते हैं। पूज्य महाराज श्री एक बार जाने क्यों डरते हैं हम, यद्यपि नित्य प्रेम भगवान के साथ ही है हमारा,
दुनिया हमें प्यार नहीं करती, नहीं करती, नहीं करती। दुनिया यदि प्यार करती है तो स्वार्थ को लेकर के करती है। यदि निस्वार्थ हमें कोई प्यार करता है उसी का नाम है भगवान। क्या? उसी का नाम है भगवान। फिर क्यों डर रहे हो? किससे डर रहे हो? बल्कि यदि भगवान छोड़ देता हमें तो दुनिया नहीं अपनाएगी, एक दिन भी घर में नहीं रख पाएगी, बाहर फेंक देगी, हमारे परमाणु बिखर जाएंगे, हमें से ना दुर्गंध उठेगी, बल्कि लोग मुंह पे पट्टी बांध करके निकलेंगे आपके पास, मुंह पे पल्लू रख करके निकलेंगे। क्या वो दुनिया आज भी हमारी नहीं है, पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं होगी? हाँ, इतना है, उस दुनिया में हम ड्यूटी करने आए हैं, और कोई भी ड्यूटी वाला व्यक्ति ड्यूटी पर जाने के बाद ये कभी नहीं भूलता कि मुझे वापस घर जाना है। फिर तुम क्यों भूल गए हो कि जिस परमात्मा ने तुम्हें यहां ड्यूटी पर भेजा है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 50 साल के लिए, 70 साल के लिए, 100 साल के लिए, क्यों तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम्हें वापस घर जाना है? किसी ने तुम्हें भेजा है ड्यूटी करने के लिए, बेटा बेटी की देखरेख करने के लिए, घर दुकान मकान चलाने के लिए, अच्छी बात है, चलाइए, धन कमाइए, बिल्कुल भी नहीं रोकता परमात्मा। फिर किस चीज के लिए ब्रेक लगाता है? अति मत कर, फस मत, बस। वो ये बात कहता कि इसमें फस मत क्यों? क्योंकि ये तेरे नहीं है, इनको भी मैंने ही भेजा है। क्या? और यदि ये तुम्हारे हैं तो महाराज सामने बेटा मर रहा है, बेटियां मर रही है, क्या तो हमारे बताए बगैर कैसे मर रहे? फिर यदि तुम्हारे हैं तो बोलो, यदि तुम्हारे हैं तो तुमसे कहे बगैर क्यों जा रहे तुम्हारे आंखों के सामने भी? बोलो, पति मर रहा है, पत्नी मर रही है, चलो तुम भूत की बातें ना जाओ, भविष्य में मत जाओ, वर्तमान में जो घटित नजरों के सामने देख रहे वो तो मान लो, लेकिन पता नहीं अकल कहां मारी गई। क्या? ये देखिए, ऋषि मुनि जंगल में भी रह रहे, और यदि ये पता चल गया कि वहां घर में बैठने से राम मिल जाएगा तो उस यज्ञ पज्ञ को छोड़ करके दशरथ के घर की ओर भाग लिया वो महापुरुष, वहां है वो। क्या ये मत समझो कि लाल कपड़े पहनने से ही परमात्मा मिल सकता है, नहीं। क्यों? क्योंकि रागी द्वेषी यदि जाकर के जंगल में भी बैठेगा तो राग द्वेष ही पैदा करेगा, और जिसने पंच अपनी ज्ञान इंद्रियों के पर, पंच कर्म इंद्रियों के पर यदि कब्जा कर लिया है तो वो घर में रहते हुए भी सन्यासी बन सकता है। क्या? अरे भाई, जय दयाल जी गोयनका एक ऐसे संत थे, यदि भी सदग्रस्त थे वो, लेकिन ऐसे संत थे जिसने हमारी गीता को सारे घर घर तक पहुंचा दिया। क्या? बैठते थे महात्माओं के पास महाराज में, और जब कभी प्रवचन पे बैठ जाते थे तो ठाकुर जी सामने आके खड़े हो जाते थे, बताइए, और वो चुप हो जाते थे। महात्मा भी यदि पूछते थे, सेठ साहब, सेठ जी आप चुप क्यों हो गए, तो टाल मटोल कर दो। लेकिन एक दिन जिद कर ही ली कि आप सच बताओ क्या बात है। कहा भैया क्या बताऊं, जो ही कथा पे बैठता हूं ठाकुर आके कहता मुझे खिला पहले फिर कथा कर ले, बताइए, मुझे गोद में बैठा। मैं कहता हूं नाथ कथा में विक्षेप हो रहा, आप तो चले जाओ बाद में आ जाओ, बताइए। और एक गृहस्थी थे, वो कौन कहता कि घर में टाटा बिड़ला को देख लो, वो इन कथाओं में रचे पचे जाकर के मथुरा के मंदिर में एक बार ढंग से निहारा करो। एक तरफ बिड़ला बैठा है, एक बार टाटा बैठा, और बीच में है हमारे अखंडानंद जी महाराज की फोटो, जाकर के देखो। क्यों? हमारे ओम प्रकाश जी जरूर अखंडानंद जी से मिले होंगे कभी, क्योंकि बंबई कलकत्ता वगैरह जाते रहते थे, ऐसे महापुरुष हुए, वो सदग्रस्त ही थे, बाद में संन्यास में आए। कौन? अखंडानंद जी महाराज ने ही वृंदावन को सही रूपेण जगाया है। जितने प्रवक्ता हैं हर जानते, चाहे ठाकुर जी हो, चाहे मृदुल कृष्ण शास्त्री जी हो, जितने बड़े बड़े सारे प्रवक्ता हैं उस महापुरुष को सब जानते हैं। इतने बड़े विद्वान महाराज यदि बंबई में प्रवचन करने बैठे सारी बंबई बंद हो जाती थी। क्या? पूरी बंबई बंद हो जाती, ऐसा महापुरुष था, बताइए।
और गृहस्थी था, बोलिया ऐसा कुछ नहीं है कि लाल कपड़े, बल्कि तुम्हारे मेरे हमारे में बहुत फर्क है। क्यों? हम 50 माला फेरेंगे तब वो फल मिलेगा और तुम 5 माला फेरोगे तब उसका तुम्हें वही फल मिल जाएगा। बताइए हमारे मेरे तुम्हारे में कितनी छूट है बताइए। फिर भी क्यों नहीं चल रहे हो आप लोग? क्या मानिए इस बात को। देखिए ये महापुरुष आया हुआ है और उधर वो राजा इनकार कर रहा है और वो राम की तरफ देख रही कह रहा है, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर। राम की ओर देख कि मैं डरा खड़ा हूं, है हमारी चीज, लेकिन राजा देखो कैसे लिपटे खड़ा, मान नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं पा रहा हूं कि तू मेरी चीज है। डर लग रहा है, पता नहीं हां करेगा कि ना करेगा। क्यों? अभी तो इसने ऐलान से पूरी छाती ठोक करके कहा था कि हमारे रघुवंशियों की 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, रण में पीठ नहीं दिखाएंगे। दूसरी विशेषता, किसी पर स्त्री के ऊपर नजर नहीं डालेंगे। तीसरी विशेषता, हमारे दरबार में आया हुआ कोई खाली नहीं गया। और ये देखो सब कह रहे हैं कि सारे सुख मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम देते नहीं बनत गोसाई, देते नहीं बनत गोसाई। वो साफ मना कर रहे हैं और विश्वामित्र पुरानी मार रहे हैं। ये नहीं कह रहे अरे अब तू 2 मिनट पहले क्या कह रहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। और ये सुनाएंगे कल ठीक 1 बजे से, ठीक है ना? क्या उसने दिया या नहीं दिया, क्या राम गए या नहीं गए, है ना? कैसे महापुरुषों की चर्चा होती है, क्योंकि कल वशिष्ठ जी भी आ जाएंगे और कह रहे कैसे दो महापुरुष नजरों ही नजरों में बातें करें, कहत नटत रिजत खिरत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत है भैया नयन ही सो बात। दोनों महापुरुष नजरों नजरों में ही कह गए हाँ, और कैसे राम को क्या करके दिया है जरा कल सुनेगा ठीक 1 बजे से। बोलिए उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो, कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, निज दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को मैं तो सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, पाम भाग शोभित जग जननी, पाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, हे पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी, उन चरणों को सदा में पकारो, हे राजा राम तेरे आरती उतारो, आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं सुन सुन निज जन्म संवारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तो पे तन मन वारो, आरती उतारो तो पे तन मन वारो, हे
आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो तेरी आरती उतारो तेरी आरती उतारो। ओम जलेनो शीतलीकरणं द्यौः शान्तिरन्तर्चकुं शान्ति।